आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि चुनाव के लाइव नतीजे व रुझान आप ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल पे जाके यहां पे ये देखेंगे तो हर एक न्यूज़ चैनल पे अलग अलग रुझान व नतीजे बताए जाते हैं। तो ऑफिशियली तरीका एक मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, वहाँ पर बिल्कुल सटीक व सही जानकारी मिलती है, तो उसी पोर्टल पर आपको भरोसा करना है और उस पोर्टल के माध्यम से चुनाव के जो भी रुझान आ रहे हैं इस समय या फिर जो भी आगे जाके नतीजे अब घोषित होंगे उन सभी को ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो पोर्टल है result.eci.gov.in, ये URL है, इसी वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। और इसे किस प्रकार से ओपन करना है और किस प्रकार से रिजल्ट देखना है, तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके रिजल्ट टाइप करना है, फिर रिजल्ट eci.gov.in ये वाला है, तो ये टाइप करेंगे तो ये वाला पोर्टल दिखाई देगा इलेक्शन कमीशन का। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल है, चारों राज्य के यहाँ पे नतीजे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का देखना है तो स्क्रीन के ऊपर बता रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। तो अभी आप देख सकते हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा उस समय बीजेपी 27, कांग्रेस 18, यहाँ पे अलग अलग पार्टियों के भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पोर्टल पे जो भी रुझान आ रहे हैं वो सबसे सटीक व सही बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने पे जीती, कितने पे लीड कर रही है, वो भी यहाँ पे बताएगा। तो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पे आपको देखना है तो ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं कि आपके जिले में आपके आपके क्षेत्र के अंदर कौन आगे चल रहा है वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग पार्टी वाइज यहाँ पर बता रहा है कितनी कौन सी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण है, नोटो को 1% वोट मिला है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नतीजे लाइव देख सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से।